बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज का हमारा मौजू है रिज़्क़े हलाल की बरकत। नौजवान तालिबे इल्म इब्राहिम हलाली ने हलब के सरजमी खेतों और हरे भरे बागों, शफाफ चश्मों और बहती हुई आबशारों, खुशनुमा नदियों और वसीओ अरीज सब्ज़ारों, प्यारे माँ बाप और अजीज बहन भाइयों को छोड़ा और हसूल इल्म की गर्ज से मिस्र के दरियाओं और शहरों को अबूर करना शुरू कर दिया। ये 1400 सदी हिजरी की बात है। इस दौर में जामिया इस्लामिया मदीना मनवरा और जामिया उम्मे अल-कुरा मक्का मुकर्मा जैसी यूनिवर्सिटियां मौजूद में ना आई थीं और तलबा को हसूल इल्म की खातिर मिस्र की जामिया अल-ज़हरा में दाखिला लेना पड़ता था। अगर अल्लाह ने इसके मुकद्दर में सआदत ना लिखी होती तो ये भी दिगर हलबियों की तरह मन मर्जी का खाता और मन मर्जी का सोता और मन मर्जी का पहनता। लेकिन इसे डोर डंगरों की तरह जिंदगी बसर करना पसंद न था। ये समझता था कि इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है, और नाम और इंसानों की तरह चंद साल जिंदा रहना गमनाम इंसानों की तरह सदियों जिंदा रहने से बेहतर है, क्योंकि इल्म वाले मर जाने के बावजूद सदियों से जिंदा है और बे इल्म जिंदा होने के बावजूद मुर्दों की तरह गुमनाम फिरते हैं। इनके दिल में सिर्फ दुनियावी इल्म के हसूल की ख्वाहिश न थी बल्कि इस इल्म के हसूल की ख्वाहिश थी जो इन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामजन करके जन्नत में पहुंचा दे। इस मकसद के लिए इसे खालिस्ता दीनी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वजूद में ना आई थी जहां ये दाखिला लेते। मजबूरन ये काहरा चले गए और हसूल इलम में मुनहमक हो गए और अरसा दराज तक मुख्तलिफ शेखों से इस्तफादा करते रहे। एक साल इन पर ऐसा गुजरा कि इनका हाथ तंग हो गया और इनके पास खाने पीने और नया लिबास खरीदने के लिए पैसा न बचा और ये साथियों से कर्ज लेकर गुजारा करते रहे और हसूल इल्म में मशगूल रहे। इनके इनका हाल अबतर हो गया और ये नान जोई को तरसने लगे। बाहिमा इनकी गैरतमंद तबीयत किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने न देती। एक रोज ऐसा हुआ कि आप नाकाबिले बर्दाश्त भूख के सामने बेबस हो गए और पेट की आग बुझाने के लिए काहरा की किसी गली में दाखिल हो गए ताकि किसी खुदा तरस इंसान को मिलकर इससे चंद लुकमे हासिल करें और भूख मिटा लें। इसी दौरान इस गली में एक घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आया। इन्हें इस घर से खाने की खुशबू आई तो ये इसके अंदर दाखिल हो गए और चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगे कि शायद कोई फर्द खाना मिल जाए और वो इससे खाना तलब कर सके, लेकिन इन्हें वहाँ कोई इंसान नजर न आया। ये सहन के एक कोने में वाकिया किचन में दाखिल हो गए। वहाँ तैयार शुदा लजीज खाना पड़ा था। उन्होंने चम्मच उठाया और इसे खाने में डुबो दिया। जब इसे भर कर मुंह के करीब ले आए तो अल्लाह का खौफ गालब आ गया और उन्होंने बगैर इजाजत उठाया हुआ लुकमा वापस रख दिया और भूखे प्यासे बाहर निकल आए और वापस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। अभी वहाँ चंद मिनट बैठे ही थे कि दो आदमी अंदर आए। इनमें से एक शख्स इनका शेख था और दूसरा शख्स कोई अजनबी इंसान था। इनके शेख ने आते ही ये बात कही कि ऐ इब्राहिम, ये तलीम याफ्ता शख्स है और ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी बेटी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलक हो जाओ और मैं इसी घर से इसे तुम्हारे पास लाया हूँ, लिहाजा अल्लाह का नाम लेकर उठो और हमारे साथ चलो ताकि अजबो कबूल करके अकद निकाह मुकम्मल करें और तुम्हें इसके घर का फर्द बना दें। इब्राहिम हलाली अपने शेख के इरशाद की तमील में उठे और इनके साथ चल दिए और इसी घर में दाखिल हो गए जिसमें वो खाना देखकर और इसमें चम्मच डबो कर छोड़ आए थे। जब अकद निकाह का अमल मुकम्मल हुआ तो इस लड़की के वालिद ने किचन से खाना लाकर सामने रख दिया। इब्राहिम हलाली ये देख कर हैरान रह गए कि सुबहान अल्लाह, ये वही खाना है जिससे मैंने चम्मच भरा था और फिर इसलिए वापस रख दिया था कि किसी का खाना इसकी इजाजत के बगैर तनावल करना हलाल नहीं है, और जब मैंने अल्लाह के खौफ से नाजायज लुकमा छोड़ दिया तो इसने अपने फजल से मुझे इस घर का मोहतरम दामाद बना दिया और हलाल तरीके से वही खाना मेरे सामने रखवा दिया। चनाचे तकमीले तालीम के बाद इब्राहिम हलाली अपनी इस बीवी को हलब में ले आए और वो इनके नेक बेटों की नेक माँ साबित हुई। इसीलिए मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप हलाल तरीके से कमाएं, जिस
जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है और वो इसे ज़रूर पूरा करेगा। रिज़्क जो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। इसको सब्र, मेहनत और ईमानदारी से हासिल कर। इसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता।